मुख्तार अंसारी और आजम खान खड़ा है हर सीट पे। ये आप मान के चलिएगा। इसलिए मैं कहता हूं, अभी पिछले दिनों भैया केशव भैया रायबरेली में प्रियंका गांधी आई थी तो किसानों ने घेर लिया। किसानों ने कहा कि प्रियंका जी एक कारण बताइए, हम आपको वोट क्यों दें, कोई कारण हो वोट क्यों दें। तो प्रियंका ने अजीत की स्टाइल में कहा, अजीत जो पुराने विलेन थे, वेरी स्मार्ट बॉय, तुम तो शायद ही भूल गए कि तुम्हारी जमीन के कागजात रॉबर्ट के पास है। आजम कौन कौन लड़ रहा है, क्या है, किसके लिए कह रहे, कौन सी पार्टी लड़ा रही है और कहां कहां से लोग हैं, किसके तरफ है संकेत? देखिए सबसे पहले बताऊं कि मैं आया हूं और मैं देख रहा हूं भाजपा की लहर है, लोगों में भारी उत्साह है और जिस तरह से समाजवादी पार्टी में दागी छवि के लोग हैं, अपराधित छवि के लोग हैं, तो मैंने जनता से यही कहा कि आप मान के चलिए कि समाजवादी पार्टी के हर सीट पे आजम खान, मुख्तार अंसारी और अतीक लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहीं आपका इशारा नहीं है? हाँ मैंने वही कहा। क्या लग रहा है आपको इस विधानसभा चुनाव में भाजपा, चूंकि अखिलेश यादव का कहना है कि हम जो तीन चुनाव हुए तीन चरण के उसमें हम लोग सबसे आगे हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं नहीं ऐसा उन्हें लगता है, लेकिन ये है कि तीनों चरणों से ये पता चला है कि हम लोग 300 की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ अपने अंदाज में बता दीजिए कुछ। गजेंद्र भाई साहिल क्या बताएं आज, मुलायम सिंह जी हाँ हाँ हमारे साथ तो धोखा हो गया। तो क्या हमने किसी से पूछा वैक्सीन कहाँ लग रही है, बहुत सोच के कहने लगा बाएं हाथ में लग रही है। और राहुल गांधी गए वोट डालने, ईवीएम के पास पहुंचे, जैसे ही कमल देखा वहाँ जोर से दाब दिया, दाग के बोले बस इसी को हटाना है। ये तो सबको पता है, 300 प्लस चल रहा है, लोगों में अच्छा माहौल है।